साबूदाने की खीर बनाएंगे तो उसके लिए 1 कप साबूदाना और 1/2 कप चीनी लिए हैं। और इसके लिए हम 1 लीटर दूध को पहले इसमें उबाल आ जाएगा, फिर उसके बाद इसमें साबूदाने को डालेंगे। तो चलिए दूध को पहले उबालते हैं। थोड़ी देर के लिए साबूदाने को आप रोस्ट कर लीजिए, तो उससे उसमें बड़ा सौंधापन आता है और अच्छे से वो पक जाता है। तो इसलिए साबूदाने को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। अभी हमारा साबूदाना रोस्ट हो गया है, तो अब दूध को हम उबालेंगे और इसको साइड में रख देंगे। तो चलिए अब दूध हमारा खौल गया है, इसमें साबूदाने को डाल देंगे और इसको बीच बीच में चलाते हुए थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे। और बीच बीच में आप साबूदाने को पिंच करके देख लीजिए, सॉफ्ट हो गया है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर इसको और पकने दीजिए। और जब आपका साबूदाना सॉफ्ट हो जाएगा, मैश करके देख लीजिएगा, फिर उसमें आप चीनी डालिएगा। सबसे लास्ट में इसमें चीनी पड़ेगी। अगर आप पहले चीनी डाल देंगी तो आपका साबूदाना कच्चा रहेगा, तो इसीलिए चीनी को एकदम लास्ट में डालिए और फिर अच्छे से चला के उसको थोड़ी देर पकने दीजिए। अभी देखिए मेरा साबूदाना बनके रेडी हो गया है, अच्छे से चीनी भी इसमें मेल्ट हो गई है और साबूदाना भी सॉफ्ट हो गया है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसको बना के।